कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है और अच्छे वक्त पर आप जुड़ रहे हैं। अभी अभी आने से पहले बाजार में एक अच्छी रिकवरी आई, मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स नए हाईज पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, जबरदस्त तेजी का माहौल है। काउंटिंग डे लो से तो ऑफकोर्स 10-12% की मूव बाजार दिखा चुका है, तो एक बार पहले आपसे यही समझना चाहूंगा, ये जो काउंटिंग डे से पहले का काउंटिंग डे का जो रिएक्शन आया और उसके बाद जो बाजार की रिकवरी आई है, इन दोनों को कैसे समझना चाहिए और इस समय बाजार का मूड माहौल सेटअप क्या दिखा रहा है सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, अगर आप काउंटिंग डे का रिएक्शन देखते हैं वो तो थोड़ा एक्सैजरेटेड रिएक्शन ही था। कोई भी एक बड़ा इवेंट होता है और स्पेशली जहां पे एग्जिट पोल्स ने एक नतीजा दिखाया और जो एक्चुअली में आया वो बिल्कुल ही अलग तरीके से नतीजा था, तो उस हिसाब से ये थोड़ा बहुत नेचुरल बोल सकते हैं जो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वहां पे हमें कोई एक तरफ से बेरिश ट्रेंड्स नजर नहीं आते, अंडरटोन तो अभी भी काफी बुलिश है और जैसे मिनिस्ट्रीज बांटे गए हैं उसमें से भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगा। तो ये सब नजर में रखते हुए और इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स को भी अगर आप लेते हैं तो वहां पे भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए एक तरफ से अंडरटोन जो बुलिशनेस का है वो बरकरार। ऑलराइट, तो जो अंडरटोन है वो तो बुलिश आपको दिख रहा है, तो सर बताएं फिर यहां से अब अगला प्रोजेक्शन क्या निकल कर आ रहा है, करंट वैल्यूएशन पर बाजार क्या दिखा रहा है और किस तरह के रिटर्न्स अब एक्सपेक्ट करने चाहिए? देखिए डेफिनेटली यहां से रिटर्न्स तो एक्सपेक्टेशंस को तो मॉडरेट कर लेना चाहिए क्योंकि पिछले 3-3.5 साल में जो जबरदस्त रिटर्न्स आए हैं वो तो रिपीट होना बहुत ही मुश्किल लगता है। अर्निंग्स अगर ट्रेजेक्टरी को देखते हैं वो मिड टीन्स के एक तरफ से रेंज में चलना चाहिए, तो जनरली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट्स भी अर्निंग्स जो ट्रेजेक्टरी रहता है उसी को फॉलो करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो 30-35% का जो CAGR रिटर्न्स पिछले 3-5 साल में जो दिखाई दिया है वो शायद ही आगे आएगा, अगर आ गया तो एक तरह से बोनस मानना चाहिए। और मॉडरेट करके एक्सपेक्टेशंस को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आज के दिन में भी इक्विटी एक अच्छा एसेट क्लास है, बाकी एसेट क्लासों से बेहतर रिटर्न्स मिलने चाहिए। जरूर ये बात है कि वोलेटिलिटी शायद थोड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे वैल्यूएशंस महंगे होंगे तो वोलेटिलिटी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपका होराइजन 2-3-5 साल है तो कोई चिंता की विषय नहीं। तो अगर 5 साल का टाइम होराइजन है तो कोई चिंता के विषय नहीं है, बट हाँ थोड़े रिटर्न एक्सपेक्टेशंस इस समय मॉडरेट करने की जरूरत पड़ रही है। सर PSUs, डिफेंस, पावर वापस बाजार के फेवरेट सेक्टर्स बन गए हैं, ऑफकोर्स बजट पर भी हमारी इस समय नजर है, बट जो PSUs में स्पेशली एक्शन बना हुआ है क्या ये सस्टेन करते हुए दिखता है इन लेवल्स पे? देखिए जब हम निवेश करते हैं हम ओनरशिप के हिसाब से निवेश नहीं करते हैं, PSU या प्राइवेट करके हम चुनते नहीं हैं, लेकिन बिजनेस और मैनेजमेंट और वैल्यूएशंस को एनालाइज करके हम इन्वेस्टमेंट का व्यू बनाते हैं। तो उस हिसाब से काफी सारे PSUs हमारे पोर्टफोलियो में हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बिजनेस में काफी अच्छा खासा मोमेंटम है, जो कैश पोजिशन है काफी सारे PSUs का वो भी काफी कुछ इम्प्रूव हुआ है, जो डिविडेंड यील्ड्स हैं वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो हर हिसाब से अगर हम एनालाइज करते हैं तो कुछ PSU जरूर नजर में आते हैं जहाँ पे अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, वो सभी स्टॉक्स पे हमारे पोर्टफोलियो में हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ये सभी क्षेत्रों में हमारे पोर्टफोलियो में PSU स्टॉक्स आज के दिन में भी हैं और हमारे व्यू पॉजिटिव। चलिए कंपनीज के हिसाब से जाइए ना कि PSU प्राइवेट कंपनीज के लिहाज से, बट सर डेफिनेटली जो एक एरिया ऑफ बाजार का है जहां पर रोज हम एक्शन देख रहे हैं वो आपका ऑटो सेक्टर, इंडेक्स रोज नए हाईज बना रहा है, स्टॉक्स में अच्छा रोटेशन दिख रहा है, ऑफ लेट जो रूरल फोकस स्पेशली टू व्हीलर या ट्रैक्टर स्टॉक्स है वहां पर हम एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, ऑटोज को लेकर अब बाजार किस तरह का ऑप्टिमिज्म प्राइस इन कर रहा है? देखिए अगर ऑटो सेक्टर या ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स को अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 26 के हिसाब से देखते हैं, ये दोनों साल में हमें लगता है कि यहाँ का जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा वो मार्केट एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ से बेहतर रहेगा। और जैसे कि आपने बताया मानसून का जो प्रिडिक्शन है वो भी एक नॉर्मल मानसून का है, अगर वो पैन आउट होता है तो जरूर काफी सारे जो रूरल डिपेंडेंट ऑटो स्टॉक्स हैं उनके लिए भी एक तरफ से डिमांड कंडीशंस में इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है।
तो ओवरऑल हमारा अभी भी इसमें ओवरवेट पोजीशनिंग है और हमें लगता है कि जरूर यहाँ पे निवेश करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए ऑटोज पर व्यू आ रहा है। सर, गवर्नमेंट केपेक्स पर भी फोकस रहेगा इस बार, ऑफ कोर्स बजट पर भी नजर है। अब कब डेट आती है वो तो फाइनल नहीं है, बट अगले महीने होगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन बाजार इस समय लगा रहा है बजट से? देखिए, ओवरऑल मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो तो यही है कि जो मेन पॉलिसीज हैं वो तो कंटिन्यू होने चाहिए, और ऐसा कोई कंटिन्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आरबीआई का डिविडेंड का बात करें, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला है गवर्नमेंट को, करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट्स अगर आप जीडीपी का प्रोपोर्शन में देखते हैं। तो एक तरफ से एक एडिशनल एम्यूनिशन गवर्नमेंट के हाथ में आया है, जहाँ पे वो इस 30 बेसिस पॉइंट्स का जो एडिशनल डिविडेंड आया है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरूर हमें लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस है कैपेक्स रिवाइवल का, उस पे डेफिनेटली कोई चिंता नहीं आना चाहिए बजट में। और जैसे हमने पहले भी देखा हुआ है, अफोर्डेबल हाउसिंग, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग फोकस, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब बजट के फोकस एरियाज रहने चाहिए। तो यही उम्मीद। सर, रूरल फोकस बजट में ज्यादा रह सकता है, ऐसी कुछ संभावना है? क्योंकि बात भी वैसी चल रही है, इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी शायद सरकार का फोकस रहे, और फिर उसको देखते हुए कुछ थीम्स या सेक्टर्स जहां पर बाजार इंटरेस्ट ले सकता है। देखिए, पेरिफेरी में कुछ पॉलिसीज में थोड़ा बहुत वीक हो सकता है, लेकिन जो मेजर पॉलिसी रोड मैप है उसमें कोई चेंजेस या बदलाव नहीं आएंगे, यही हमारा उम्मीद है। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगर थोड़ा बहुत रूरल रिलेटेड स्पेंडिंग भी होगा, इट विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप कैपेक्स घटा के आप कुछ और वेल्फेयरिज्म में जाएंगे। तो वेल्फेयरिज्म और कैपेक्स जो चलने चाहिए वो दोनों साथ साथ चलेंगे। कोई पोर्टफोलियो चेंजेस जो आप इस समय कर रहे हो, या कोई रोटेशन जो आपको इस समय दिख रहा हो वैल्यूएशन के लिहाज से या प्राइस रनअप की वजह से? बहुत कुछ खास चेंजेस तो पोर्टफोलियो में नहीं है। सेक्टर्स को अगर आप देखते हैं तो मोस्टली वही सेक्टर्स पे हम बने रहे हैं। लेकिन जरूर ये है कि जैसे जैसे वैल्यूएशन महंगा होता है, हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स में हम प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत रिलेटिव वैल्यू जहाँ पे भी दिखता है वहाँ पे शायद हम निवेश कर सकते हैं, लेकिन सेक्टोरल ट्रेंड्स में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। ऑलराइट, तो ये है हर्षा उपाध्याय साहब का व्यू। कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है ट्रेंड में, बाजार अच्छे मूड में है, अच्छा करते रहेंगे, थोड़ी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बस नॉर्मलाइज करके चलें इस बाजार में। हर्षा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अपना व्यू और बाजार पर राय भी शेयर करने के लिए। टाटा एलेक्सी इस पर रखिए।